गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों, 60 क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो पुलिस की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाएँ उन्हें भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा। भारत की निम्न नदियों में से कौन डेल्टा नहीं बनाती है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। उस नदी का नाम बताइएगा, गंगा, गोदावरी, महानदी या फिर ताप्ती। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ताप्ती। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बाकी आप लोग याद रखिएगा, गंगा, गोदावरी, महानदी ये सभी बनाती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ताप्ती नदी आप लोग याद रखिएगा पश्चिम की ओर बहती है। पूछा जाता है किस ओर बहती है, तो आप लोग याद रखिएगा पश्चिम की ओर बहती है और ये अरब सागर में जाकर मिलती है। ये भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर दो के लिए। बताइए प्रथम भारतीय मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाएगा भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी है, तो आप लोग याद रखिएगा राजा हरिश्चंद्र। इसके निर्माता आपको बताना है कौन थे। और भारत की पहली बोलती फिल्म भी पूछ सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा आलम आरा। आलम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म है। चलिए सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर दो के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, तो ये करेक्ट आंसर होगा दादा साहेब फाल्के। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दादा साहेब फाल्के निर्माता थे प्रथम भारतीय मूक फिल्म राजा हरिश्चंद के, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार, आप सभी के राइट आंसर हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर तीन के लिए। बताइए केरल की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर तीन के लिए। क्या पूछा गया है? केरल की ऑफिशियल लैंग्वेज बताइए क्या है। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वाल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मलयालम। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा केरल की ऑफिशियल लैंग्वेज मलयालम है, तो ए करेक्ट आंसर होगा। केरल भारत का राज्य, आप लोग याद रखिएगा। राजधानी पूछ सकते हैं, तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। केरल को भारत में मसालों का बगीचा कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसे आप लोग याद रखिएगा। केरल को भारत में मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फोर के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। बताइए निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है? निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है, ये पूछा गया है। बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल या फिर असम। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फोर के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, वेरी गुड दोस्तों, आंसर सभी लोग दीजिए। राइट आ रहा होगा, आप लोग आंसर करिएगा। क्या पूछा गया, इनमें से कौन सा भारतीय राज्य नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है? नेपाल भारत का पड़ोसी देश है, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, काठमांडू नेपाल की राजधानी है। कई बार मैंने आपको बताया भी है। बिहार नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, बिहार करेक्ट आंसर नहीं होगा। फिर से आंसर करिएगा, आपसे पूछा गया है कौन सा राज्य नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका, असम। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। असम शेयर नहीं करता है बॉर्डर नेपाल के साथ। बाकी आप लोग याद रखिएगा, बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल ये सभी करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए। प्रश्न इस प्रकार से है, बारिश की फुहार के बाद इंद्रधनुष कहाँ दिखाई देता है, ये आपको बताना है। बारिश की फुहार के बाद बताइए इंद्रधनुष कहाँ पर दिखाई देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सूर्य की विपरीत दिशा में। क्या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा,
बारिश की फुहार के बाद इंद्रधनुष सूर्य की विपरीत दिशा में दिखाई देता है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 का। क्या पूछा गया है? उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? गुड, डी करेक्ट आंसर होगा, जॉन जैकब ने। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उत्प्रेरक की खोज जॉन जैकब ने की थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इस बार आप सभी ने करेक्ट आंसर दिए, वेरी गुड दोस्तों। इसी प्रकार से आंसर करिएगा, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है कौन सी पहाड़ी? नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है, इसका राइट आंसर बताइएगा। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा उसके बाद ही आंसर करिए। ऑप्शन इस प्रकार है, राबड़ी पहाड़ियाँ, सतपुड़ा पहाड़ियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ या फिर बिंद पर्वत, इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सतपुड़ा पहाड़ियाँ। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, जो सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। पूछा जाएगा कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में है। किस नदी के किनारे स्थित है? राप्ती नदी के किनारे बसा है, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। ये भी ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत का इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी में स्थित है? बे ऑफ बंगाल में स्थित है। भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश? चंडीगढ़, लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव, इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड, आंसर सभी लोग दीजिए राइट या रॉन्ग। वेरी गुड दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिएगा, अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें, यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश है, आप लोग जानते भी होंगे, कई बार मैंने आपको बताया भी है। राजधानी पूछ सकते हैं, राजधानी पूछ सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप लोग याद रखिएगा, सैडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको आप लोग याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सोन, कोसी, गंडक या फिर मयूराक्षी? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? डेली सुबह 10 बजे क्लास होगी, उसके बाद शाम को 3 बजे क्लास होती है, शाम को 8 बजे क्लास होती है, और ये वाली जो क्लास है सुबह 7 बजे होगी डेली। तो सभी डेली सभी सेशन को ज्वाइन कीजिएगा स्पेशल आपकी परीक्षा के लिए। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? त्रिवेणी नहर में कहाँ से पानी आता है, किस नदी से? कोसी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गंडक नदी से, सी करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग याद रखिएगा, त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, गंडक करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए बेरियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? साइंस से संबंधित क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बेरियम को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? अगर परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा, 56 परमाणु क्रमांक होता है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ए करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, बेरियम को बी ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। एटमिक नंबर भी पूछ सकते हैं, 56 होता है। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए।
बताइए पृथ्वी के पृष्ठ स्थल का कितना भाग रेगिस्तान है? ये अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है, ये आपको बताना है। गुड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 10वां भाग। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, 10वां भाग रेगिस्तान है, ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए सर सैयद अहमद खान संस्थापक थे, किस विश्वविद्यालय की उन्होंने स्थापना की थी, ये आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, सैयद अहमद खान ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए किस दर्रे से होकर लेह जाने का रास्ता है, ये आपको बताना है। जोजिला दर्रा, सिपकीला दर्रा, चुंबी घाटी या बनिहाल दर्रा, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, सिपकीला दर्रा करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जोजिला दर्रा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, जोजिला दर्रा से होकर ले जाने का रास्ता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कमांड कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है प्रयोग। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पेस्ट करने के लिए, बी करेक्ट आंसर होगा, कमांड कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग किया जाता है पेस्ट करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 आपको बताना है किससे संबंधित है, ये पूछा गया है। गुड मॉर्निंग, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, आर्टिकल आपको बताना है 66 किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव से। यस, बी करेक्ट आंसर होगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है अनुच्छेद 66। तो ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए दोस्तों माचिस की तीलियों में होता है, क्या होता है माचिस की तीलियों में, ये आपको बताना है, सल्फर मैग्नीशियम पोटेशियम या फिर रेड फास्फोरस, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, रेड फास्फोरस, क्या करेक्ट आंसर है, डी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, माचिस की तीलियों में रेड फास्फोरस होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए निम्न में से कौन सी एक हिमालयी पार नदी है, उस नदी का नाम बताइएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आज की क्लास में 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसमें कठिन और सरल दोनों प्रकार के क्वेश्चन होंगे, तो सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सतलज। यस, बी करेक्ट आंसर होगा, जो सतलज नदी है, सतलज नदी है, हिमालय पार नदी है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है। बताइए राइट आंसर क्या होगा, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, ये आपको बताना है। गुड मॉर्निंग, सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, विपक्षी दल का नेता। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है विपक्षी दल का नेता, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए टेलीग्राम के संस्थापक कौन है, टेलीग्राम की जिसने स्थापना की है उनका नाम बताइएगा। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बी करेक्ट आंसर होगा, पावेल ड्यूरोव। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, पावेल ड्यूरोव ने टेलीग्राम की स्थापना की थी, संस्थापक है। गुड, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए।
बताइए बांग्ला त्यौहार निम्न में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो बांग्ला त्यौहार है निम्न में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ये आपको बताना है। गुड, ऑप्शंस को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। गारो जनजाति, भूटिया जनजाति, थारू जनजाति या फिर भील जनजाति द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गारो जनजाति द्वारा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बांग्ला त्यौहार मुख्यतः गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। आपको बताना है एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं ये आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रोटीन। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। एंजाइम प्रोटीन होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। ये भी ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दक्षिणी पठार के, सॉरी, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है, उस नदी का नाम बताइएगा। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। नर्मदा, साबरमती, ताप्ती या फिर माही, इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नर्मदा। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, पठारी प्रदेश को भारत में नर्मदा नदी दो भागों में विभाजित करती है। गुड मॉर्निंग, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये जो नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश की, आप लोग याद रखिएगा, राजकीय नदी है। सभी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 के। आपको बताना है जो पंजाबी भाषा है किस लिपि में लिखी जाती है। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। बी करेक्ट आंसर होगा, गुरमुखी लिपि में। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और जो हिंदी है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, आप लोग याद रखिएगा, हिंदी संस्कृत ये सभी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बताइए मानस किसकी सहायक नदी है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा, क्या पूछा गया है, मानस किसकी सहायक नदी है, गोदावरी, कृष्णा, महानदी या फिर ब्रह्मपुत्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र की। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है ये तिब्बत से होता है, तिब्बत में से सांगपो के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। बताइए दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। क्या पूछा गया, जो दामोदर नदी है ये कहाँ से निकलती है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, छोटा नागपुर पठार से। यस, बी करेक्ट आंसर होगा, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था, ये आपको बताना है। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दादा भाई नौरोजी ने भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये जो स्पेस है बताइए यहाँ पर क्या भरा जाएगा। भारत दालों के उत्पादन में किस स्थान पर है और दालों के उपभोक्ता में किस स्थान पर है, ये आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड मॉर्निंग, बताइए इसका राइट आंसर। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा, जो भारत है दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है और दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप लोग याद रखिएगा, दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है और सबसे बड़ा उत्पादक भी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। बताइए किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहते हैं। सुबह अभी 10 बजे रीडिंग की क्लास होगी, रीडिंग की क्लास होगी सुबह 10 बजे। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। बताइए किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्लोरेला को। सी करेक्ट आंसर होगा, क्लोरेला शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है।
इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए कार्डियम पहाड़ियाँ कहाँ पर है, आपको बताना है जो कार्डियम पहाड़ियाँ ये भारत में कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल या फिर महाराष्ट्र में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, केरला में। सी करेक्ट आंसर होगा, केरल में है कार्डियम पहाड़ियाँ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। बताइए इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, ये आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिएगा, जो इडुक्की जल विद्युत परियोजना है ये आपको बताना है किस राज्य में है, केरल, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर पंजाब में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, केरला में। इडुक्की जल विद्युत परियोजना केरला में है और ये पेरियार नदी पर है। पूछ सकते हैं किस नदी पर है परियोजना, तो आप लोग याद रखिएगा पेरियार रिवर पर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए निम्न में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बताइए इनमें से कौन सा आर्टिकल शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, राइट टू एजुकेशन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुच्छेद 21 से। क्या करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, अनुच्छेद 21 ए शिक्षा के अधिकार से संबंधित है और ये एक फंडामेंटल राइट है। अगर पूछा जाए किस प्रकार का अधिकार है, तो आप लोग याद रखिएगा फंडामेंटल राइट है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। बताइए मुंबई हाई किससे संबंधित है, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। क्या पूछा गया है, मुंबई हाई किससे संबंधित है। बी करेक्ट आंसर होगा, पेट्रोलियम से संबंधित है। किससे संबंधित है, पेट्रोलियम से संबंधित है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए, आपको बताना है आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। सभी जल्दी से आंसर करिएगा, आपको बताना है आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, उनका नाम बताइएगा। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, कई बार मैंने आपको बताया 1935 में हुई थी। इसका जो राष्ट्रीयकरण है, पूछा जाता है कब हुआ था आरबीआई का, तो आप लोग याद रखिएगा 1949 में हुआ था। वर्तमान में शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं और मुख्यालय कहाँ पर है आरबीआई का, तो मुंबई में, आप लोग याद रखिएगा। बैंकों का बैंक कहते हैं इसे भारत में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीडी देशमुख, यस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। बताइए सतलज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है, आपको बताना है सतलज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सुतुद्री, यस टी करेक्ट आंसर होगा। सतलज नदी का जो ऋग्वैदिक नाम है सुतुद्री है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बताइए निम्न में से कौन भारत का पहला हरित बंदरगाह है, आपको भारत का पहला हरित बंदरगाह का नाम बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हल्दिया पोर्ट। क्या करेक्ट आंसर है, डी इसका राइट आंसर होगा। अब तो याद रखिएगा जो हल्दिया पोर्ट है ये भारत का पहला हरित बंदरगाह है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा हल्दिया पोर्ट कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिए वेस्ट बंगाल में है। कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में हल्दिया पोर्ट, डी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए, आपको बताना है क्वांटम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वांटम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मैक्स प्लैंक ने। बी करेक्ट आंसर होगा, मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। आपको बताना है निम्न में से किस स्थान पर आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बताइए इनमें से किस स्थान पर आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है। तो सभी इसका आंसर करिएगा, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विजयवाड़ा, यस बी करेक्ट आंसर होगा, विजयवाड़ा में आणविक ऊर्जा संयंत्र कैन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी करेक्ट आंसर होगा, विजयवाड़ा, यस विजयवाड़ा में आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है, ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर है।
अब देखिएगा, तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, आप लोग याद रखिएगा। नरोरा उत्तर प्रदेश में है, रावत बाटा राजस्थान में है। चारों ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्टिकल फाइबर सिद्धांत किस कार पर करता है, किस सिद्धांत पर, ये आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए, बताइए निम्न में से कौन अर्धचालक है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन अर्धचालक है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जर्मेनियम। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, जर्मेनियम एक अर्धचालक पदार्थ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ये प्रश्न बहुत सी परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछा गया है, जैसे आप लोग याद रखिएगा, आपके भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए, बताइए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है भारत में। क्या पूछा गया है? भारत में जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है ये कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 11 मई को, या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिए, प्रति वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यस, ये लाइव सेशन है, डेली होगा सुबह 7 बजे, टाइम को याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए, आपको बताना है भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा, क्या पूछा गया है? भारत में जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है कितने वर्षों का होता है। सभी आंसर करिए और जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 5 साल का, यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, 5 वर्षों का होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। आपको बताना है कोमी नागा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए, ऐसे हो गए, सभी जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। क्या पूछा गया है? कोमी नागा जो लोक नृत्य है मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य में प्रचलित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नागालैंड में। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, नागालैंड में प्रचलित है, नागालैंड से संबंधित है मुख्यतः, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 44 के लिए, बताइए महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या पूछा गया है? महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं, यस हो गया। सब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 44 के लिए, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एमजी रानाडे, यस ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं एमजी रानाडे को, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। बताइए निम्न में से भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सी करेक्ट आंसर होगा, भारतीय आर, यस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जो भारतीय आर है ये भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। गुड मॉर्निंग राजू, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए, बताइए इनमें से कौन सी नहर मिस्र में है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, डी करेक्ट आंसर नहीं होगा, सी करेक्ट आंसर होगा, भारतीय आर, ये भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 46 के लिए, बताइए निम्न में से कौन सी नहर मिस्र में है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, स्वेज नहर। स्वेज नहर जो है ये मिस्र में है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए, बताइए पीली क्रांति का संबंध किससे है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा, क्या पूछा गया है? पीली क्रांति का संबंध किससे है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तिलहन उत्पादन से, यस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। गुड, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ये रियल एग्जाम डेट है, परीक्षा जो है 23 अगस्त से शुरू होगी, 23 अगस्त को होगी, उसके बाद 24, 25, 30, 31 अगस्त को परीक्षाएं होंगी। तो सभी लोग अब सिर्फ स्टडी पर फोकस कीजिएगा, ये सही एग्जाम डेट है।
तेज से शुरू है परीक्षाएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तिलहन उत्पादन। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। तो डेली सभी लोग सेशन को ज्वाइन कीजिएगा, डेली क्लासेस होंगी स्पेशल आपकी परीक्षा के लिए, यूपी पुलिस के लिए। तो सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिए। इसका राइट आंसर बताइएगा, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? पुर्तगालियों को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? पुर्तगालियों को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। सी ए डी का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको बताना है सी ए डी का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, सी ए डी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। बताइए इनमें से रक्त का मापक यंत्र कौन सा है? रक्त का मापक यंत्र आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, स्पिंग मैनोमीटर। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, स्पिंगनो मैनोमीटर रक्त का मापक यंत्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। आपको बताना है बाहरी जल की खोज किसने की थी? सभी इसका आंसर करिएगा। बाहरी जल का केमिकल नेम क्या होता है पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, फॉर्मूला होता है D2O। खोज किसने की थी? SC यूरेन है, बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। आपको बताना है प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ पर है? तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ पर है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? लखनऊ, भोपाल, पटना या फिर इंदौर? उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भोपाल में। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर है, मध्य प्रदेश के भोपाल में, बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। आपको बताना है हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी का निर्माण किसने करवाया था? हरिद्वार गंगा नदी किनारे स्थित है, आप लोग याद रखिएगा, उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में, हिंदुओं का तीर्थ स्थल भी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राजा विक्रमादित्य, बी करेक्ट आंसर होगा। विक्रमादित्य ने हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी का निर्माण करवाया था। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है? तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इंडिया डिवाइडेड आपको बताना है पुस्तक के लेखक कौन है, ए करेक्ट आंसर होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। आपको बताना है गोपीनाथ बरदोलई जो संविधान सभा के हिस्सा थे ये किस राज्य के थे, ये आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, असम के, बी करेक्ट आंसर होगा। गोपीनाथ बरदोलई संविधान सभा के हिस्सा थे और ये असम के रहने वाले थे, तो बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिएगा अगर पूछा जाए असम के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा आगे चलकर ये असम के पहले मुख्यमंत्री भी बने थे, गोपीनाथ बरदोलई। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। बताइए त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1905 में जो अधिवेशन हुआ था बनारस का, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? आपको अध्यक्ष बताने हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। इसका राइट आंसर बताइएगा। गुड, देखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा 1905 में बनारस अधिवेशन हुआ था INC का, अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। अर्जुन पुरस्कार कब से देना प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर बताइएगा। जो अर्जुन पुरस्कार है आप लोग याद रखिएगा खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर दिया जाता है, उत्कृष्ट प्रदर्शन पर दिया जाता है भारत में, और कब से देना प्रारंभ हुआ? 1961 से। या तो ऑप्शन नंबर बीस का राइट आंसर होगा, 1961 से देना प्रारंभ हुआ, तो ऑप्शन नंबर बीस का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। आपको बताना है संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यह जो संगम साहित्य है पूछा जाए मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है, और ये तमिल भाषा में लिखा है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। यह तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, तमिल भाषा में लिखा है संगम साहित्य,
वक्ता तमिलनाडु संबंधित है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए, आज के लास्ट क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कार्ल मार्क्स निम्न में से किस देश के निवासी थे, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी के। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, जर्मनी के निवासी थे कार्ल मार्क्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों, गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वाल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली क्लास होगी सुबह 7 बजे, टाइम को याद रखिएगा। स्पेशल जीके जीएस की क्लास होगी, सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे परीक्षा में, हमारा 38 में 38 का टारगेट है, गुड। अगली क्लास होगी अभी 10 बजे सुबह, सभी लोग सेशन को ज्वाइन कीजिए, टाइम को याद रखिएगा, सुबह 10 बजे आपकी अगली क्लास होगी। यस राजू, चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।